शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल के प्रबंधन की एक खौफनाक सूरत सामने आई है। स्कूल के टीचर ने कक्षा 10 की दो छात्राओं को केवल इस बात पर पीटा कि वो किताबें नहीं खरीद पाई। टीचर ने छात्राओं को जमकर पीटा और स्कूल से बाहर निकाल दिया। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मामला आगरा थाना इत्मतदौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी में स्थित अंकुर इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर कॉलेज में पढ़ रही दो छात्राओं को किताब न खरीदना इतना महंगा पड़ गया कि टीचर ने दोनों की जमकर पिटाई लगाई और स्कूल से निष्कासित कर दिया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी सुशील कुमार घुले ने कहा है कि पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जो तहरीर दी है उसके बाद जो लड़की थाने पर आई थी उसका मेडिकल भी कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी और जो तहरीर दी है उसके अनुसार जो धाराएं बनती है उनमें एनसीआर दर्ज हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई हो जाएगी। स्कूल में सर फायदे पर किस किस स्कूल की घटना है ये? अंकुर इंटर कॉलेज। किसने डंडा मारा आपको? महेंद्र के साले ने, अंकित चौहान ने। अंकित चौहान ने? अच्छा जी। अंकित चौहान आपके जो स्कूल है उसमें क्या करते हैं, किस पद पे हैं वो? बुक के पीछे मारा था, बुक के बारे में हमसे कुछ पूछा ही नहीं, पहले मारने लगे फिर बाद में पूछा। किसने मारा आपको? अंकित चौहान ने। अंकित चौहान कौन है? प्रिंसिपल है स्कूल के। अच्छा जी। इसके बारे में आपने अपने परिवारी जनों से ये शिकायत की? की है। तो उनका पेरेंट्स लेके गए थे तो उल्टा और बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज में पढ़ना हो तो ऐसी मार पिटाई लगेगी।